दोस्तों जब बहुत ही कम समय होता है और हमें कुछ बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा बनाना होता है, खास तौर से वीकेंड के टाइम पे, तो हमें याद आता है सैंडविच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं सैंडविच की, क्योंकि हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं सैंडविच। और सैंडविच है चीज सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। ये बाहर से बहुत ही क्रंची, अंदर से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीजी होता है। तो आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में इस रेसिपी के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बच्चों का बहुत ही फेवरेट सैंडविच। तो सैंडविच की जो ये रेसिपी है बहुत शानदार है, क्योंकि आज हम लेके आए चीज सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो चीज सैंडविच बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए हम आपको वो दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें सैंडविच के लिए चाहिए होती है ब्रेड। तो ये मैंने व्हाइट ब्रेड ली है, 4 पीस ली है, क्योंकि एक सैंडविच बनाने में 2 पीस लग जाते हैं। तो ये व्हाइट ब्रेड है और इसके साथ इसे सेकने के लिए मैंने लिया है देसी घी। आप बटर का भी यूज कर सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो आप देसी घी का यूज कीजिए, लेकिन ब्रेड को सेकने के लिए आप रिफाइंड का यूज मत कीजिए, क्योंकि देसी घी से जो है बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी ब्रेड सिकती है, तो इसलिए देसी घी का यूज करेंगे। और उसके बाद टमाटो केचप, ये सॉल्ट, नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, और ये है चीज, ये मोजरेला चीज है जो मैंने कद्दूकस करके रख लिया है चीज को। एक टमाटर, इसे बारीक बारीक काटा गया है और जो टमाटर का लिक्विड था वो अंदर का पार्ट हटा दिया है, सिर्फ टमाटर के कवर को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज, ये भी एक प्याज है और इसे भी बारीक काटा है, और एक हरी मिर्च, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके बाद अगर आपको कोई और सब्जी इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल और एकदम टेस्टी वाला चीज सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो मैंने वही चीज ली है जो घर पे नॉर्मली अवेलेबल होती है। तो अगर आपको और कोई सब्जी आपकी पसंद की इसमें ऐड करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सैंडविच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार सा चीज सैंडविच बनाना। तो आइए चीज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें जो सैंडविच की स्टफिंग है वो तैयार करनी है। तो स्टफिंग के लिए एक बाउल के अंदर हम प्याज और टमाटर मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च, एक हरी मिर्च ली है हमने इसके लिए, और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं बाकी के मसाले। मसाले में जैसे कि हमने लिया है चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स तो हम इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, थोड़ा सा मैं जब इसे हम ब्रेड के ऊपर करेंगे उस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। ऑरिगेनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और नमक। तो सभी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, बाद में थोड़ा सा मैं ऐड कर लूंगी लास्ट में। तो अभी ने हम कर देते हैं मिक्स। तो ये हम मिक्स कर चुके हैं अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। अब कर लेते हैं ब्रेड। तो हमें ब्रेड चाहिए, तो ये मैं पहले एक ब्रेड का पीस ले लेती हूँ और ब्रेड पे हम लगा देते हैं सबसे पहले केचप। केचप लगाने के बाद अब मैं इसे अच्छे से केचप को इसके ऊपर फैला लेते हैं ब्रेड के ऊपर, जिससे कि वो चारों कॉर्नर्स में अच्छे से लग जाए।
तो केचप अच्छे से लग चुका है, अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं प्याज और टमाटर। इन्हें भी हमें बिल्कुल कॉर्नर्स में अच्छे से लगाना है। तो ये हमने अच्छे से प्याज और टमाटर लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज, जो मोजरेला चीज ली है हमने। ये मोजरेला चीज अच्छे से चारों तरफ इस पे हमने डाल दी है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, मैं थोड़ा सा सभी मसालों को यहां पर डालने वाली हूँ। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा ही सॉल्ट, और एक ब्रेड का पीस और लेके इसके ऊपर भी हम लगाने वाले हैं केचप। और इसे भी अच्छे से फैला लेते हैं, और अब हम इसे कर देते हैं कवर। तो ये हमारा एक सैंडविच जो है ये हो गया है तैयार सीखने के लिए। अब मैं इसी तरीके से जो दूसरा सैंडविच है उसे भी तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार हैं दोनों सैंडविच सीखने के लिए। तो अब चलते हैं हम तवे की तरफ। तो गैस ऑन है, इस पे तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सैंडविच को सेकते हैं। उसके लिए हम सैंडविच के लिए सबसे पहले तवे के ऊपर अच्छे से देसी घी डाल लेंगे। क्योंकि बहुत अच्छे से मैं कुरकुरा सेकने वाली हूँ, तो खूब सारे देसी घी में। और ये गैस बिल्कुल आप कम कर लीजिए, क्योंकि हमें एकदम डिम गैस के ऊपर इसे सेकना है। अब मैं ऊपर भी इसके देसी घी अच्छे से लगा देती हूँ।
तो ये एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से एकदम ब्राउनिश सिका है, क्योंकि गैस हमने कम रखी है सेकने के लिए। और जो घी है, घी से ब्रेड बहुत ही अच्छी कुरकुरी सिकती है डिम गैस पे। तो हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ सेकने के बाद जब हम दूसरी तरफ से पलट लेते हैं, तो उसके बाद इसे हमें कवर करना है। कवर करके 1 से 2 सेकंड हमें सेकना है, जिससे कि जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ। तो आइए चेक कर लेते हैं हटा के इसे एक बार। और ये जो चीज है आप देख सकते हैं साइड से मेल्ट हो गई है। तो और ये सिक भी चुका होगा, देखिए पलट के देख लेते हैं। तो ये भी यहां से अच्छे से ब्राउन सिक चुका है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं तवे से। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। और इसी तरह हम जो दूसरा हमारा सैंडविच है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। और ये दोनों सैंडविच अच्छे से सिक चुके हैं, जो चीज है मेल्ट हो गई है। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो इनकी करके दिखाते हैं प्लेटिंग। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं चीज सैंडविच। तो आपने देखा बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, फट से तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और टेस्टी है, क्योंकि बिल्कुल भरपूर चीजें हैं। ये देखिए चीज इनमें भरपूर है। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनके तैयार है। और ये देखिए अंदर भी चीज जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बाहर से बहुत क्रंची क्रिस्पी है, अंदर से चीज की वजह से थोड़ा जूसी है। तो आपको बहुत मजा आएगा इसे खाने में, बच्चों को खिलाने में। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।